तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन है। सिंपल पेंडुलम इज हैविंग बॉब मास एम, ठीक है, सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द कार सन फिल्म शूटिंग, मतलब शूटिंग हो रही है, मूवी बनने वाली है। तो कार मूव अप द इंक्लाइंड प्लेन एट स्पीड वी, जंप टू द लिप ऑफ द क्लिफ एट सम डिस्टेंस, लेट आर बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ द कार फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ, मतलब क्लिफ से टॉप से जो है आर मैक्सिमम हाइट, द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन कार इन एयर। देखो एक पहाड़ है, ठीक है, यहाँ से एक कार जा रही है ऐसे, एक क्लिफ है, समझने की कोशिश करना, ये इंक्लाइंड ये पहाड़ है, यहाँ से एक कार्ट जा रही है और इस कार्ट में एक सिंपल पेंडुलम है, दिस इज द कार्ट मूविंग, और अगर ये एक्सलेट कर रही है तो सिंपल पेंडुलम कुछ ऐसे आता है, ठीक है, ये वर्टिकल से थीटा डिग्री पर अगर एक्सलेट कर रही है तो आगे की डायरेक्शन में एक्सलरेट कर रही है, हाई एक्सलेशन ये से। अब अचानक से ये यहाँ से अचानक से ये जंप करेगी, यहाँ से तो जंप करेगी, तो ये ऐसा कुछ मान लेते हैं, कुछ दूसरा इधर पहाड़ है वो यहाँ लैंड करने वाली है गाड़ी, तो अगर यहाँ पर लैंड करने वाली है तो यहाँ से जब कूदेगी तो जब कभी हवा में रहेगी, मान लो यहाँ से भी वेलोसिटी से जंप कर गई और ऐसे कुछ जा रही है, ऐसे लैंड करेगी यहाँ, ये गाड़ी यहाँ लैंड करेगी ऐसा कुछ, ठीक है, तो अगर ये लैंड करेगी तो जब हवा में है तो हवा में बात करो, हवा हवाई में है ना, ये जब एयर में है, जिस वक्त एयर में है बच्चों, उस वक्त अगर उस वक्त की कहानी क्या होगी, सिंपल पेंडुलम अगर एयर में है तो ये देख रहे हो एयर में है तो यहाँ पे सिर्फ एंड सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो है ग्रेविटी, एम जी लग रही है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ही एक्सलेशन है जो जी है, बाकी तो हॉरिजेंटल में जो फोर्स है, एक्स एक्सिस में जो फोर्स है वो तो जीरो है, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। तो अगर सिंपल पेंडुलम है तो वर्टिकल में अगर इसके फ्रेम से अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, इसी के फ्रेम में इस गाड़ी में ही कोई बैठ जाए, तो जो कोई इस गाड़ी में बैठा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो उस वो अगर इस सिंपल पेंडुलम का इक्वेशन लिखे तो क्या लिखेगा, तो चलो जो लिखेगा वो हम लोग लिखते हैं, वही हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर मैं बैठ गया हूँ, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन टी लिखेगा और इस स्ट्रिंग में एम जी नीचे लग रही होगी, साथ साथ ये ऐसे फ्रेम में है जो एक्सेलरेटेड है डाउनवर्ड ए से, जिसकी वैल्यू जी है, तो ये इस पे सूडो फोर्स लगाएगा एम में ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये तीन फोर्स इसके फ्रेम से लगेंगे और ये तीनों मिल के इस बॉब को रेस्ट में रखे होंगे, तो ये लिखेगा तो टी प्लस सूडो फोर्स एम ए मस्ट बी इक्वल टू एम जी, इसका मतलब ये हुआ कि टी की वैल्यू आ जाएगी एम जी माइनस एम ए, तो यहाँ पे एम जी और एम ए की वैल्यू भी जी है, तो कुल मिला के टेंशन कितना आ जाएगा बोलो, जीरो आ जाएगा, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन इस वक्त जब जीरो होगा, जब कार एयर में रहेगी, जब लैंड कर जाएगी तो कहानी अलग होगी, जब एयर में रहेगी तो जीरो। तो आई होप कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली हम बहुत ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहो प्यारे बच्चों।